बलिया में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आद्या शंकर यादव ने बेलसा रोड में मैनपुरी उपचुनाव जीतने का दावा किया। कहा कि भाजपा तो अहंकार में है, मैनपुरी तो डिंपल ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि नेताजी के बगैर मैनपुरी में हो रहे पहले उपचुनाव परिणाम के लिए जनता ने डिंपल यादव के लिए मन बना लिया है। नेताजी के बहू को मैनपुर की जनता भारी मतों से जिता रही है। मैनपुरी लोकसभा के सभी विधानसभा में सर्वाधिक वोट देने की होड़ लगी है, जो समाजवादियों का गढ़ है। भाजपा तो अहंकार में, और क्या कुछ कहा सुनिए। सत्ता पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव सत्ता का होता है, ये उनका अहंकार बोल रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। और उन लोग बराबर अनीति अत्याचार और गुंडागर्दी और दमन के बल पर वो चुनाव जीतते हैं, छलबल के आधार पर। आजी के बगैर हम लोग चुनाव के मैदान में हैं, बड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन हम लोग मैनपुरी की सीट पर डिंपल यादव जी, जो नेताजी की बहू हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। और मैनपुरी के लोगों ने मन बनाया है कि बड़े पैमाने पर भारी वोटों के अंतर से डिंपल यादव को जीत दिलाकर हम लोग नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। यह मैनपुरी के लोगों ने संकल्प लिया है। नेताजी के बिना यह पहला उपचुनाव है, और बताए सत्ता पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव सत्ता का होता है, ये उनका अहंकार बोल रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। और उन लोग बराबर अनीति अत्याचार और गुंडागर्दी और दमन के बल पर वो चुनाव जीतते हैं, छलबल के आधार पर। लेकिन ये पहला चुनाव सही है कि नेताजी के बगैर हम लोग चुनाव के मैदान में हैं, बड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन हम लोग मैनपुरी की सीट पर डिंपल यादव जी, जो नेताजी की बहू हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। और मैनपुरी के लोगों ने मन बनाया है कि बड़े पैमाने पर भारी वोटों के अंतर से डिंपल यादव को जीत दिलाकर हम लोग नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।